हेलो गाइस, बैक टू द माय चैनल। फिर से आपको मेरी न्यू वीडियो पे स्वागत। तो आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि शोल्डर कैसे बड़ा करें, और ऐसे देखो ऐसे गोल करें, डेल्टा को गोल करें। मैं कुछ टिप्स ऐसे देने वाला हूँ कि शोल्डर कैसे बड़ा करें और डेल्टा को ऐसे गोल करें। देखो मेरा जैसे गोल हो गया, ऐसे पाने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स बताऊँगा। इस टिप्स को आप फॉलो करो, ऐसे ही मारो तो आपका शोल्डर भी ऐसे निकलेगा और ऐसे डेल्टा भी ऐसे दिखेगा ना, गोल दिखेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात बताऊं, वीडियो देखते हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन घंटी को जरूर बजाना। तो पहला एक्सरसाइज करेंगे क्या, डिप्स मारेंगे शोल्डर का डिप्स। तो चलो कैसे मारते हैं मैं दिखाता हूँ। मारते हैं ना ऐसे ऐसे रह गया पूरा, ऐसे 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 ही रहना। उसके बाद ऐसे टिप्स मार, पूरा ऐसे रहना, ऐसे अंदर जाओगी और आओ। पीछे को ऐसे ऐसे जाना, ऐसे आना। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, screenshot लगाना। ये जितना जाएगा इतना अच्छा है आपके लिए। तो शोल्डर का पहला एक्सरसाइज है डिप्स। तो डिप्स ऐसे ही मारना और स्पिन सेट मारना। जितना डिप्स ज़्यादा मारोगे ना इतना आपके लिए अच्छा होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। तो सेकंड एक्सरसाइज क्या करना है, ईट लेना। और कैसे मारना है मैं बता रहा हूँ। ऐसे करिए, हाथ को ऐसे रखना, पूरा ऊपर नहीं करना, थोड़ा ऐसे बैंड रहेगा, ऐसे ही मारना। ये देखो मैं जैसे मार रहा हूँ ऐसे ही मारना, पूरा सीधा रह के ऐसे मारना। गाना ऐसे तो तीन सेट में, पहला सेट रहेगा आपका 20 रहेगा, उसके बाद 15, उसके बाद 10 रहेगा। तो अच्छे से मारोगी तो ये नहीं है, थोड़ा उसको अच्छे से मारना है। और ज़्यादा टाइम लगेगा कि ना, ये तो जल्दी नहीं आएगा ना, थोड़ा उसको आने के लिए टाइम लगेगा। तो मेहनत करते रहो तो आप रिजल्ट मिलेगा। तो हमारा सेकंड एक्सरसाइज ख़त्म। तो अभी हम लगाएंगे थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज कैसे करना है, ऐसे ही दो ईट को है और कैसे पकड़ना है मैं बता रहा हूँ। ये देखो ऐसे लेना, फिर पहले जो ऐसे पकड़ा था ऐसे, और सेकंड ऐसे करना, ऐसे करके ऐसे इस तरह रहना, उसके बाद ऐसे मार, ऐसे करना। हाथ को ऐसे रखना, ऐसे लेना, पूरा ऐसे इस तरह लेना है आपको। ईट को ना ऐसे ही छाती के ऊपर आगे रखना है, ऐसे पूरा खड़ा है ना, ऐसे मारना। तो ऐसे ही आपको ये तीन सेट लगाना है। तो इसका पहला सेट रहेगा ऐसे ही 20 रहेगा, उसके बाद 15, उसके बाद 10 ऐसे रहेगा। तो सेकंड एक्सरसाइज ख़त्म। अभी थर्ड एक्सरसाइज क्या करना है, ऐसे पकड़ना है और हाथ को पूरा ऐसे रखना, ऐसे रख के आगे ऐसे करना, पूरा आगे ऐसे लेना है आपको। जब छोड़ोगी ना तो स्लो में छोड़ना नीचे ऐसे। ज़्यादा ऊपर नहीं करने का, इतना ही रखना है। इतना रखेगा तो तभी शोल्डर का ऊपर प्रेशर आएगा। ज़्यादा ऊपर करोगे ना तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा शोल्डर का ऊपर। तो इतना ही रखने का, जब भी छोड़ोगी स्लो छोड़ना, छोड़ते समय पूरा स्लो में छोड़ना।
ऐसे ही। ये वाला साइड भी तीन सेट लगाना है, तो तीन सेट में क्या है, पहला ऐसे ही 20 लेना, 15, उसके बाद 10 लेना, तो तीन सेट लगाना है। तो मेरा 3 एक्सरसाइज ख़त्म, तो अभी 4 एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे पकड़ना, उसके बाद ऐसे करना, ऐसे रहना, ऐसे ऐसे रहना। इसको भी जब छोड़ोगे नीचे तो स्लो में छोड़ना, ये देखो ऐसे आना है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे मारोगी इस ये सेट में आपको डेल्टा का ऊपर थोड़ा पड़ेगा, तो ये वाला भी तीन सेट लगाना है। ऐसे ही मारेगा, पहला वाला सेट में 20 रहेगा, उसके बाद सेकंड में 15 और थर्ड में 10 रिपीटेशन रहेगा। तो अभी हम 5 नंबर सेट लगाएंगे, 5 एक्सरसाइज करेंगे। तो कैसे करना है, ऐसे ही दोनों ईट को पकड़ना है, दोनों ईट पकड़ के ऐसे थोड़ा इस तरह ऐसे रहना, छाती को ऐसे ऊपर करना, थोड़ा ऐसे करके ऐसे मारना, जैसे उठा रहा हूँ ऐसे ही 5 नंबर सेट लगाना है, ऐसे ही 3 सेट लगाना है। तो पहला रिपीटेशन 15, पहला जो रिपीटेशन है 20 रहेगा, सेकंड सेट में रिपीटेशन 15 और थर्ड में रहेगा 10 नहीं तो 12 ऐसे। तो 5 नंबर वाला ख़त्म हो गया, अभी 6 नंबर लगाएंगे। 6 नंबर सेट कैसा लगाना है, एक हाथ में एक ही हीट पकड़ना है, उसके बाद ऐसे करना है, ऐसे उठाना है, पूरा सीधा रहना है, पूरा सीधा रह के ऐसे एक हाथ में वन हैंड का सेट रहेगा, ये पहले ऐसे वन हैंड रहेगा, उसके बाद ये वाला हैंड में उठेगा, तो ऐसे ही मारना है। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो ऐसे उठाना है, ऐसे रह के ऐसे जब नीचे छोड़ोगी ना तो स्लो में छोड़ना, वन हैंड हो गया, फिर ये वाला जब भी ये वाला सेट लगा हुई ना, तो ये वाला जितना मारा ये वाला को इतना ही मारना है। तो पहले समझ लो, तो पहला सेट में मारा ये वाला, मारा 20, तो ये वाला भी होगा 20। तो सेकंड सेट में क्या होगा, इसका रिपीटेशन रहेगा 15, तो इसका भी रहेगा 15। जैसे थर्ड में भी रिपीटेशन रहेगा 12, ये भी 12 रहेगा, तो ऐसे ही। तो ये वाला क्या करना है, तो ये वाला जितना मारोगी इतना भी ये भी रहेगा रिपीटेशन, सेम टू सेम रिपीटेशन रहेगा। तो ये वाला 10, ये वाला 12 ऐसे नहीं होगा, तो एक सेट में ऐसे ही सेम मारना है, ये वाला जितना मारेगा रिपीटेशन ये भी इतना ही रिपीटेशन मारना है। तो ये कम ये वैसे ऐसे मारना नहीं, कभी ध्यान में मारना है। तो आज का सेट रहा शोल्डर का ऊपर, तो ऐसे ही फॉलो करो, और सेट ऐसे ही घर पे आप लगा सकते हो, घर पे ही आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाने के लिए टाइम नहीं होता, तो ऐसे ही घर पे आप दो ईट में पूरा बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हो। शोल्डर ऐसे देखो मैंने मारा ना सेट, और इसके बाद देखो मेरा कैसा है।
ये वाला आएगा शोल्डर, ये डल्टा देखो जैसे गोल हो गया, तो ऐसे ही फॉलो करो, ऐसे ही मारो और एक्सरसाइज करो, ऐसे ही आपका भी आ जाएगा, 2-3 महीना में थोड़ा आ जाएगा। उसके बाद जितना मारोगी तो अच्छे से मारना है, अच्छे से आएगा। तो ऐसे ही चलो मारते रहो और भाई को सपोर्ट करो, लाइक एंड शेयर कमेंट करो और बेल आइकन घंटी को जरूर बजाना। तो चलो आज के लिए इतना ही, ख़त्म।